समय में लगभग हर तीसरा इंसान अपनी बाल झड़ने की समस्या से काफी ज्यादा परेशान है, पतले बालों से परेशान है। दरअसल बाल तभी झड़ते हैं जब हमारा खान पान सही से नहीं हो पाता या फिर हम बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभार किसी बीमारी की वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे में जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो हम महंगे से महंगा शैम्पू ऑयल यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी ये बाल झड़ने की समस्या खत्म नहीं होती, कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी समस्या क्यों ना हो बाल झड़ने की, पर आपको असर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बताते हैं आपको कौन से उपाय अपनाने हैं जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। इन उपायों में सबसे पहला उपाय ये है कि आपको एक प्याज लेना है और उसे छील कर टुकड़ों में काट लेना है, फिर उसका जूस बनाना है और उसके अंदर एलोवेरा जल मिलाना है। अब इसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिला लीजिए, अगर आपके पास अरंडी का तेल हो तो और भी ज्यादा बेस्ट होगा। इसे आप अपने बालों में नहाने से तकरीबन एक घंटा पहले लगा लें और उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर लें। ऐसा नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा घरेलू नुस्खा कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक मिक्सी के जार में मेथी और कलौंजी को रख लेना है और इसका पाउडर फॉर्म निकालना है। अब एक बाउल में आपको दही लेनी है, सरसों का तेल लेना है, अरंडी का तेल लेना है और इस बनाए हुए पाउडर को इसमें अच्छे से मिला लेना है। अब इस हेयर पैक को बनाकर 10 मिनट के लिए रख लें ताकि मेथी और कलौंजी के पाउडर अच्छे से मिल जाए। अब नहाने से पहले अपने बालों में ये हेयर मास्क लगा लें, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक ये तरीका भी अपना सकते हैं। एक दूसरा हेयर पैक बनाने के लिए आपको प्याज का जूस लेना है, कड़ी पत्ते का तेल लेना है, एलोवेरा जल लेना है, अलसी का जल डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इस मास्क को अपने बालों में जड़ों से लगाना है। एक घंटे के बाद आपको फिर शैम्पू कर लेना है, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बढ़िया और शानदार हेयर पैक हम आपको और बताते हैं, जिसके लिए आपको एक बाउल में प्याज का रस लेना है और उसके अंदर कोई भी ऑयल मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर बालों में लगा लेना है। तकरीबन एक घंटे के बाद अच्छे से शैम्पू कर लें। बता दें आपको, अगर इन बताए गए उपायों में से कोई भी उपाय अगर आप हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं तो इससे आपके सामने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आर्थिक रिपोर्ट।